हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ मूंग की दाल की बर्फी। ठीक है, इसमें हमें दाल को भिगोने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम इसको पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे और फिर इसको एक साफ़ कपड़े पे इसको बिछा कर और इसको अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे रगड़ रगड़ कर, ताकि इसमें पानी नहीं रहे। ठीक है, अब हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे। कुछ नहीं डालना है अभी हमें, इसको घी वगैरह कुछ नहीं डालना है, बस इसको सिंपल दाल को इसमें डाल देंगे और हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए, आपको भूनते भूनते ना इसका सारा मॉइस्चर सूख जाएगा। देखिए किस तरीके से हो गई, एकदम खिली खिली हो गई ना, ये ब्राउन हो गई दाल। तो इस तरीके से हम इसको भून लेंगे। भूनने के बाद इसको हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसको पीस लेंगे। ठीक है, पीसने के बाद क्या करेंगे, फिर हम कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम मलाई डालेंगे। अब फिर हम इसमें ना मलाई में ये जो हमने दाल का पाउडर बनाया था ना, उसको भून के पीस के फिर हम इसको इसमें मलाई में डाल देंगे। मिक्सचर में अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए गाइस कैसे अच्छे से ये मिक्स हो गई है। ठीक है, अगर आपको कम लगे ना मलाई इसमें तो और भी डाल सकते हैं। मेरे को थोड़ा कम लगा तो मैंने इसमें थोड़ी मलाई और ऐड की थी। ये मैंने थोड़ी सी मलाई इसमें और ऐड की। फिर मलाई ऐड करने के बाद इसको मैं और अच्छे से चला लूँगी, थोड़ा सा अच्छे से। तो देखिए मलाई की मलाई हो गई, घी भी हो गया और इसमें दूध तो होता ही है मलाई में, तो साथ में इसमें खोआ भी हो जाता है। दोनों चीज़ें हो जाती हैं, तो अलग से हमें खोआ डालने की ज़रूरत भी नहीं होती है, तो इसलिए मैंने मलाई यूज़ करी। तो अब मैंने इसमें मलाई मिक्स कर दी। अब मैं इसमें डालूंगी मीठा शुगर। अब मैंने इसमें ये शुगर पाउडर डाल दिया। अब इसको अच्छे से चलाएंगे। ये शुगर इसमें मेल्ट हो जाएगी तो ये भी थोड़ा लिक्विड सा हो जाएगा। फिर इसको हम तब तक इसको चलाते रहेंगे, भुनाते रहेंगे, तब तक ये गाढ़ा हो जाएगा। जब तक हमें लगे ना कि ये जमने लगा है, थोड़ा इसकी पीसेस जम जाएंगे, बर्फ़ी जम जाएंगी, तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। अब बीच बीच में ना इसमें ऐसे हाथ में थोड़ा सा लेके भी देख सकते हैं, गोली सी बना के अगर बन जाती है तो ये हमारी बर्फ़ी जम जाएगी। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से भून लीजिए और फिर इसको देखिए तब तक ये गाढ़ा होगा। तो देखिए अब ये मेरा कितना मिक्सचर जो है कितना गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया है ना, अब ये जम जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, थाली लेंगे, प्लेट, और प्लेट में घी लगा लेंगे अच्छे से। प्लेट पूरी प्लेट में घी लगा लेंगे अच्छे से। फिर इसको लेकर मिक्सचर को हम इसमें फैला देंगे। अब ये कुछ जो ड्राई फ्रूट्स हों आपके पास, मेरे पास गोला कोकोनट और बादाम थे तो मैंने उनको घिस कर इनके ऊपर फैला दिया अच्छे से। ठीक है, फिर हम इनके ये थोड़ा ठंडे से हो जाएंगे ना, तो फिर हम इनका नाइफ से लेके इनके पार्टीशन कर देंगे और फिर आपके पीसेस जम जाएंगे तो इनको आप निकाल सकते हैं। स्पून से इस तरीके से ना थोड़ा प्रेस कर दीजिए, ताकि जो ड्राई फ्रूट्स इसमें हमने डाले हैं ना, तो ये थोड़े इस पर अच्छे से जम जाएंगे। ठीक है, देखिए अभी इस नाइफ से इस तरीके से इनके पीसेस कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बन गई हमारी मूंग की दाल की बर्फी। आप भी बनाइए। ठीक है, फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। You want it, I want it, she want it, so come get it.